Method of analysis and the topic is the local and the global optima that we will extend. In the method of analysis, in the previous module, we have studied the various aspects of the other method, the main optimization. And under that optimization one, that will be the local optimum. And this local optimum, when we say it means that is one extreme. Either it is maximum, either it is minimum point of the objective function, and objective function as we have already studied that this is related to those choice variable that we want to decide and we want to solve. Either it is related to a consumer, either it is related to a producer. So local maximum is always a global maximum when objective function will be a concave or quasi-concave, or when the feasible set will be the convex so these two features they are the basic ingredient to have a global maximum or the minimum because they give us the tangency point so global optimum will be the maximum or the minimum value function that available in the total analysis space and the examples are here when we say the minima and the maximum there can be the various examples that this will be one local minima, this will be one local minima, this will be one local minima, and this will be one local. But when we make the level related to this, this will be the last, will be the lowest among all. So, when we say this will be the global optimum or the maximum lowest among all. तो बेसिकली इट इज मिनिमल बट लोस्ट में ये सबसे बड़ी डिग्री ले रहा है तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये ग्लोबल ऑप्टिमम मिनिमम हो और अगर हम इसी तरीके से एक और वेरिएबल x के अगेंस्ट y को हम ड्रा करें तो यहाँ पे मुमकिन है कि ये कमोडिटी x के अगेंस्ट कमोडिटी टू हो या उसकी प्राइस के अगेंस्ट उसकी परचेज हो हम किसी भी करें तो हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स के ग्राफ आता है जिसमें जब यहाँ वाली रेंज को हम देखेंगे तो ये उसका नेबरहुड रेंज बनेगी और इस नेबरहुड रेंज के अंदर ये इतने से पॉइंट के अंदर ये इसका लोकल एक ऑप्टिमल पॉइंट है ये दूसरा लोकल ऑप्टिमा, और इन तमाम ऑप्टिमल में से व्हेन वी विल कंपेयर, अगर इफ़ मैं इसको कहूँ कि ये पॉइंट ए का लोकल है ये पॉइंट बी ये पॉइंट सी ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई e, तो अमंग दीज फाइव लोकल में से ये भी इट्सल्फ एक लोकल ऑप्टिमल है और ऑप्टिमल में हम कहें तो वो नीचे से चूंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम होगा लेकिन उसकी हम मैथमेटिकल कंडीशन भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी एक लोकल ऑप्टिमम है लेकिन इन पांच में से चूंकि ये हाईएस्ट वाला है तो इसको लोकल होने के साथ साथ ग्लोबल ऑप्टिमा का रैंक भी मिल जाएगा और इसीलिए जब हम इसको इस ग्राफ की शक्ल में हमने प्रीवियस मॉड्यूल में भी किया था अगर हम देखें तो एक ही ग्राफ के अंदर लोकल और ग्लोबल हमारे पास दोनों मौजूद हो सकते हैं और हम अगर उसमें देखें तो हमें यह देखना होगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स के तहत हम यहाँ पे एट ए टाइम मिनिमा हो सकता है और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा अवेलेबल हो सकता है। जब हम डील कर रहे होते हैं ऑप्टिमाइजेशन में लोकल और ग्लोबल को मिनिमा को या मैक्सिमा को तो सबसे बेसिक चीज़ है कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बेसिक तीन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल होना जरूरी है जिसमें से एक सबसे अहम है कंटिन्यूटी अगर इस ग्राफ में अगर हम देखें तो ये वाला ग्राफ यहाँ से शुरू हो के इस तरीके से देखें तो ये अपवर्ड जा रहा है इसी को अगर मैं एक सेकेंड फॉर्म में ड्रा करना चाहूँ तो ये इस तरीके से हम देखें तो ये इस तरह डाउनवर्ड भी पॉसिबल है लेकिन वो चीज़ जिसमें वंस वी पुट द पेन ऑन आवर पेपर और हम उसमें ब्रेक नहीं लगा रहे और ये पॉसिबल है कि ये हमारी कोई स्ट्रेट लाइन भी हो तो जब भी ऐसी कोई कर्व या ग्राफ या रिलेशनशिप है क्योंकि जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रा करेंगे एक एक का एक्स एक्सिस एक होगा और दूसरा जो है इसका वाई एक्सिस होगा तो इन दोनों के रिलेशनशिप में जब भी कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होगी दैट विल बी द कंटिन्यूस और उसी तरीके से एक नॉन कंटिन्यूस है जिसके तरीके हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ग्राफ एक्स एक्टिस के अगेंस्ट चलता है तो वो यहाँ से मूव होते होते यहाँ तक गया लेकिन उसके बाद ये रुक गया कुछ देर की ब्रेक आई और दोबारा से हमने वहाँ से उसको अगेन शुरू किया है तो यहाँ पे देखें तो ये वाला जो इसमें गैप आ रहा है तो दैट विल बी द नॉन कंटिन्यूस और उसी तरीके से मुमकिन है कि हम अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पे हम देखें तो x की हमारे पास एक शक्ल x1 है x3 है और x0 है और इसी तरह y1 है y2 है तो यहाँ एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक की ग्राफ के ऊपर जब हम शो करते हैं तो ये एक की परफॉर्मेंस शो कर रहा है ये दूसरे की तो फॉर वन वेरिएबल दैट कैन बी कंटिन्यूस एंड फॉर द अदर इट कैन बी कंटीन्यूस बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ये भी हमारा जो है वो कंटिन्यूसी को फॉलो नहीं कर रहा जो सेकंड इसका मेन अगर इंडिकेटर या प्रॉपर्टी जिसको हमें लाजमी फुलफिल करना होता ऑब्जेक्टिव दैट इज़ द शेप अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की शेप किस तरीके की होनी चाहिए अगर हम देखें उसमें से एक हमने ये ड्रा की है जो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है और अगर हम देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, पे मौजूद दो कमोडिटीज एक्स वन और एक्स टू को हमने अगर रख के ड्रा किया है तो हम उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप को ड्रा कर रहे हैं उसी तरीके का उन दोनों के दरमियान जब हम एक ड्रा कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो वो आलमोस्ट शक्ल इसी तरीके की ले रहा है लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स बनते हैं और जो थर्ड पॉइंट है वो अगर देखें तो वो हमारे पास इनवर्स अगर हम देखें कनकेव है तो अगर हम इस फॉर्म में अगर देखें तो या तो हम इसको कन्वैक्स कहेंगे तो ये वाली वो अशकाल हैं जिसको अगर हम देखें तो इसमें से जो कौसाई कनकेव हमारे पास होगा दैट इज़ द बेस्ट सोलूशन टू हैव फॉर आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हम कौ... इस शक्ल की फॉर्म में हम कॉसाई कनकेव को कहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन इन दो पॉइंट्स के दरमियान चूंकि हम देखें तो जो सब्सिट्यूशन है वो परफेक्ट वाली कहलाएगी और परफेक्ट सब्सिट्यूशन के दरमियान में हमारे पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन है वो कांस्टेंट होता है तो इसको हमारी टेंजेंसी के त, रूल के तहत सॉल्व करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है और जो थर्ड कर्व है ये वाला कर अगर मैं इसको नाम दूँ तो ये सी कर्व और जो ए है ये एक दूसरे के अपोजिट है कंडीशन ऑफ कंकेव कर्व को अगर हम देखें तो वो ये है कि अगर इसके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में हम लाइन ड्रा करते हैं जैसे कि यहाँ पे ये मौजूद है तो इस लाइन को ड्रा करते हैं तो जो कर्व है और उसका सारा डाटा है वो इसके नीचे आएगा वो ये अगर हम देखें तो ये सारे का सारा इस साइड पर तो ये बेस्ट सोलूशन है और कौसाई कंकेव में भी कंडीशन ये है लेकिन उसमें इन पॉइंट्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन आ जाती है जो थर्ड है अगर उसके दरमियान हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है और स्ट्रेट लाइन ड्रा होने के बाद जो कर्व के अंदर अगर हम देखें तो जो सारा डाटा है वो उन पॉइंट्स के अपवर्ड या राइट पे रहता है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सॉल्यूशन फॉर आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिबल सेट

तो एट लीस्ट मिनिमम एक वेरिएबल या एक वेरिएबल को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो दैट इज वन वायबल सोल्यूशन अवेलेबल विद सेकेंड जो है दैट इज द क्लोजनेस और क्लोजनेस को अगर हम देखें तो ये हमारा वो सोल्यूशन है जिसमें हम कहेंगे कि हम बाउंड्री के पॉइंट्स को भी ले लें इसको भी हम काउंट कर लें तो लेकिन ये एक क्लोज फॉर्म में हमारे पास आना चाहिए जिसका हम अगर देखें तो एनी फॉर्म ऑफ इंफिनिटी की तरफ ये ना हमें लेके जाता हो और अगर हम इसमें मैं अगर एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूँ अगर हम कई दफ़ा कुछ सोल्यूशन हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो एक्स है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो x है दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो अगर हम अब इसमें देखें तो x अगर हम जीरो पे भी कहें और इक्वल पे कहें तो इक्वल टू जीरो तो क्लियर हो गया लेकिन लेस में हमारे पास देखें तो एक अवेलेबिलिटी मौजूद है लेकिन एक साइड से ये सेंसर हो गया उसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इक्वल टू वन कहने से वन तक ये रुक जाएगा उससे नीचे नहीं और ऊपर को जा सकता है तो ये सेंसर्ड फ्रॉम बिलो है और ये सेंसर्ड फ्रॉम अबव पे अगर हम देखें तो इस तरह की जब कंडीशन में हमारे पास है तो एटलीस्ट वन साइड जो है वो उसको क्लोजनेस देती है और कई हमारे पास वेरिएबल होंगे जो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ऐसे बन जाती है जिसमें हम कहते हैं कि एक्स वन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स टू एंड दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू सपोज आई से टू तो ये फाइनेट पॉइंट या फाइनेट वैल्यू देता है तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक फाइनेट पॉइंट हम सॉल्व करके ला सकें दैट विल बी द क्लोजनेस द बाउंडेड भी अगर हम इसी फॉर्म में देखें तो ये वो सेट होगा कि जिसकी कोई भी एक साइड जो है वो हमें इन्फिनी या एक्सट्रीम पॉइंट ना दे एंड कन्वेक्सटी वो कर्फ जिसमें अगर हम देखें कि वो जिसका एवरी पेयर जब पॉइंट का कहीं ना कहीं पे मौजूद हो हम उसको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर सकें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हम अगर कहें कि कहीं पे भी अगर हमारे पास इस तरीके से मुख्तु पॉइंट्स हों और हम उनको ज्वाइन करके जाएं तो अगर हम कहें कि उसके किसी भी दो पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करें तो वो स्ट्रेट लाइन बन सके और ये इस हम में अगर हम जाएं और या हम इसके इधर वाले दो पॉइंट्स को कहें तो वो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारे सामने आ सकते हमारे पास एनालिसिस में अगर हम कहें तो अब हमारे पास तय हो गया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइदर स्ट्रिक्टली कॉजा कनकेव हो और फिजिबल सेट जो है वो हमारे पास अगर नॉन कन्वेक्स हो तो हमारे पास एक फॉर्म लोकल मैक्सिमम की आ सकती है और इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक ग्लोबल मैक्सिमम की उसी तरीके से एक और फंक्शन हो सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो नॉट कॉजई कनकेव है और फिजिबल सेट जो है वो कन्वेक्स हो सकता है इसके मुखलिफ अशिकाल को अभी हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम की शक्ल क्या हो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास दो कर्व हमने ड्रा किए हैं और उसमें हमारे पास X1 on x वन ऑन एक्स एक्सिस है x2 एक दूसरी कमोडिटी हमारे पास y एक्सिस है और अगर हम ड्रा करके इन दो पॉइंट्स के बनाते हैं तो अगर हम देखें तो ये हमारा फिजिबल सेट और वो सरफेस है जिसमें हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर हम इन दोनों को ड्रा करेंगे तो अगर हम देखें तो जो हमारी पहली लाइन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दिस कॉल्स इन द फिजिबल सेट लेकिन उसके बावजूद हमारे पास कुछ रिसोर्सिस बच जाते दीज रिसोर्स प्रोवाइड अस फैसिलिटी कि हम इससे हायर लेवल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें तो हम इसकी बजाय फिर हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो उससे हायर रैंक का है अगर हम उस पर आते हैं तो अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है लेकिन इस साइड पे हमारे पास फिर कुछ रिसोर्सेस बच सकते हैं और अगर हम उससे फर्दर पे जाते हैं तो एक हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है अब अगर हम इस फॉर्म में देखें तो हमारे पास दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंसी अवेलेबल है आइदर दिस पॉइंट और आइदर दिस पॉइंट तो हमारे लिए इसको तय करना मुश्किल होगा कि हमारे लिए वायबल और द बेस्ट सोलूशन कौन सा है इसीलिए जब हम कहते हैं कि इस फॉर्म में हमें जब भी तय करना है आइदर मैक्सिमा और मिनिमा तो हमारे लिए जो फिजिबल सेट है अगर वो कन्वेक्स फॉर्म में यानि इस शक्ल में मौजूद होगा तो हमारा जो भी टेंजेंट पॉइंट होगा वो चूंकि बाउंड्री के ऊपर होगा और बाउंड्री के ऊपर वो हमें उसके साथ अब यहाँ फिजिबल सेट हमारा कन्वेक्स है और लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अब वो हमारा कनकेव नहीं है बल्कि रादर वो कॉजा कनकेव की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है और इस फॉर्म में भी देखें तो हमारे पास एक से ज्यादा अगर है तो एक ये पॉइंट हमारे पास टेंजेंसी का आ रहा है और एक हमारे पास ये आ रहा है तो ये हमें असर करता है कि बेस्ट सोलूशन लेने के लिए हमारे पास जो फिजिबल सेट है उसकी बेस्ट ऑप्शन कन्वेक्स है और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी अगर हमने बेस्ट ऑप्शन लेनी है तो वो कनकेव है ताकि ये दोनों जिस एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होंगे तो वो एक पॉइंट हमें जो है वो दे सकेगा हमारे वायबल सलोशन को और इसी तरीके से हम एक और पॉइंट अपना देखते हैं जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कई दफ़ा एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स में ग्लोबल पॉइंट्स बन सकते हैं दिस इज वन फॉर्म जिसमें अगर हम देखें तो फिजिबल सेट जो है नॉट स्ट्रिक्टली कन्वेक्स फॉर्म में और ये हमें बेस्ट सोलूशन दे रहा है अगर ये वाली फॉर्म है तो इसमें हमारी ये कॉजाई कनकेव शक्ल है यानी ये वाला पार्ट जो है वो स्ट्रेट फॉर्म की शक्ल में आ रहा है और बाकी अगर हम देखें तो ये शेप हमें लिटिल बिट कनकेव जैसी दे रहा है तो अगर हम देखें तो यहाँ ओ से मुराद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली कॉजाइककेव एंड फिजिबल सेट इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स जो थर्ड फॉर्म है तो इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टजाइकनकेव है जो हमारी बेस्ट डिजायर्ड फॉर्म है और उसी तरीके से जो फिजिबल सेट है दिस इज स्ट्रिक्ट कन्वैक्स तो इस फॉर्म को और इस फॉर्म को अगर हम कहें तो ये हमारे पास मुख्तफ फॉर्म्स ऑफ फंक्शन अवेलेबल हैं जब हम डाटा को प्लॉट करते हैं तो वो हमारे सामने आती हैं जो हमें अपने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या ऑप्टिमाइजेशन क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन उसी वक़्त मुमकिन है जब वो एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंसी की शक्ल में हमारे सामने आ सकेगी क्योंकि हमने उसमें सेडल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रर्स पे जाना है